नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हमारे साथ में है भाजपा के वरिष्ठ नेता और एडवोकेट सुभाष काले जी। हम इनसे चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र की जो सत्तांतर के बाद जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसका रिजल्ट कब आएगा और कैसे आएगा, इसी पर चर्चा, क्योंकि बहुत से व्यूवर्स हमारे पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट पर पूरी महाराष्ट्र की राजनीति टिकी हुई है ऐसा लग रहा है, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। क्या कहेंगे सर, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला, जो एक तरह से फैसला तो हो गया है, खाली रिजल्ट आना बाकी है, तो किस तरह का रिजल्ट देख रहे हैं आप? नहीं, जैसे पिछली बार मैंने बोला था जी, आर्ग्यूमेंट दोनों तरफ से हुई है जी, दोनों तरफ की आर्ग्यूमेंट कई दिनों तक चली। बिल्कुल, कपिल सिब्बल साहब थे, मनु संघवी साहब थे, दूसरी बाजू हरीश साल्वी, हाँ वो है। और ये सब आर्ग्यूमेंट्स के बाद अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट को देने का था। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के बारे में, मतलब टाइम कब सुप्रीम कोर्ट देगी ये तो सुप्रीम कोर्ट ही जान सकता है, लेकिन मेरा अनुमान था कि अप्रैल में आ जाएगा जी, अप्रैल तक। मैंने वो कहा था कि अप्रैल एंड तक जी इसका फैसला आना चाहिए। उसका कारण भी ऐसे था कि पांच जजेस का वो बेंच है जी, वो पांच जजेस में से एक सीनियर जज है जो रिटायर हो रहे हैं अभी मई में जी, और अगर वो रिजल्ट आने के पहले रिटायर हो गए तो प्रॉब्लम ये होगा कि ये जो पूरा मामला है जी, तो ये पूरा मामला पूरा ठप हो जाएगा। इसके लिए फिर से बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, नया बेंच के सामने फिर से सब डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर सबमिट करना पड़ेंगे, नया बेंच के सामने फिर से आर्ग्यूमेंट होगा और फिर आर्ग्यूमेंट के बाद फैसला आएगा। तो इसका मतलब ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसीलिए मेरी अपेक्षा ये थी कि मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल एंड तक इसका नतीजा आना चाहिए, लेकिन अप्रैल तो चला गया और पांच तारीख चले गए, मई के भी आज पांच तारीख है, वो भी चले गए, वो भी गई, पांच दिन तो चले गए। अभी मेरे हिसाब से 10 दिन सिर्फ बाकी है, या तो फैसला ये 10 दिन में आ सकता है, नहीं तो समझ लो कि ये पूरा मामला और 6 महीने के लिए आगे चला, कम से कम। क्या बात, और कम से कम इसका रिजल्ट अगर अभी नहीं आया जी अगले 10 दिन में, तो समझो कि इसका रिजल्ट फिर अगले कम से कम 6 महीने आगे चला जाए, क्योंकि ये पूरा नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना, नया बेंच के सामने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करना, नया बेंच के सामने आर्ग्यूमेंट्स करना, रिटर्न आर्ग्यूमेंट, नोट ऑफ आर्ग्यूमेंट फाइल करना और फिर उसका फैसला, सो दिस विल टेक एटलीस्ट 6 मंथ। सर, एक बार और हम चर्चा कर लेंगे कि फैसला सुरक्षित कर लिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह चर्चा हो रही है, फैसला सुरक्षित है, खाली रिजल्ट आना है? नहीं नहीं, तो फैसला सुरक्षित ऐसा नहीं बोल सकते हम जी, दोनों के आर्ग्यूमेंट होने के बाद जी सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन लेना है कि जो 16 MLAs है जी, ये 16 MLAs का डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में उनको फैसला लेना है जी। मेरा अनुमान मैंने बताया था आपको कि मेरा अनुमान ऐसा है, कंसिडरिंग ऑल द लीगल पॉइंट्स, कानून के चौकट में अगर हम रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस हिसाब से फैसला देती है, तो मेरा अनुमान ये था कि फैसला आएगा कि ये 16 लोगों का जो डिस्क्वालिफिकेशन है, ये काम महाराष्ट्र के चेयरपर्सन का है, यानी कि महाराष्ट्र के अध्यक्ष का है, विधानसभा के अध्यक्ष का है, जो इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी, ऐसा फैसला आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और वो फैसला इनडायरेक्टली इसका मतलब यही होगा कि ये अमदार डिस्क्वालीफाई नहीं होगी अगर ऐसा हुआ तो। जो अपेक्षा कुछ लोगों की है कि ये 16 आमदार डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, सरकार गिर जाएगी, सरकार प्रॉब्लम में आ जाएगी, सरकार माइनॉरिटी में आ जाएगी, तो अगर ये सब मेरे हिसाब से होने वाला नहीं है, ज्यादा से ज्यादा फैसला इतना ही आ सकता है मेरा अनुमान जी, कि भाई ये जो 16 आमदार का जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके बारे में जो नोटिस, या तो ये पूरा खारिज हो जाएगा जी, मामला ही खारिज हो जाएगा, मतलब जो नोटिस निकाली है उनको डिस्क्वालिफिकेशन वही गलत है जी, ये भी फैसला आ सकता है, ये भी फैसला आ सकता है। लेकिन अगर नोटिस सही है ऐसा अगर सोचा सुप्रीम कोर्ट ने, फिर भी उनका डिस्क्वालिफिकेशन करना नहीं करना ये मामला नीचे के अध्यक्ष के पास जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष ही निर्णय ले सकते हैं, मतलब चेयरमैन चेयरपर्सन ले सकते हैं, विधानसभा के सभापति, कि भाई इनके बारे में क्या करना है, और उस हिसाब से
फिर उसके ऊपर निर्णय होगा। और इसका मतलब तो एक तरीके से क्लियर ही हो जाएगा कि इनका डिस्क्वालिफिकेशन होगा नहीं, सरकार जो सी चल रही है वैसी आगे चलेगी और 2024 के विधानसभा के इलेक्शन तक एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री रहेंगे, देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री रहेंगे और जिस रफ्तार से काम चल रहा है महाराष्ट्र में वो चलते रहेगा। सर अगर मगर के बीच में हम दूसरा भी चर्चा कर लेते हैं कि अगर अगर डिस्क्वालीफाई हो गया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन दे दिया, मतलब उल्टा डिसीजन दे दिया आपके कहने के हिसाब से, तब क्या? देखो क्वेश्चन सिर्फ 16 आमदार का है जी। विधानसभा में 288 आमदार है, 88 उसमें से माइनस 16, अभी 288 से आप 16 कम करो, 16 कम करने के बाद मेजर मतलब अभी अगर 288 है तो मेजोरिटी कितनी हो गई, 145। लेकिन अगर 16 अपात्र हुए तो जो 1/3 का इशू है, शिवसेना से 1/3 तोड़ के गए करके इनको पक्ष और नहीं, वो अलग है, वो देखो वो अलग है जी। वो इशू का डिसीजन इलेक्शन कमिश्नर ने ऑलरेडी दे दिया है, नहीं अपात्र के पहले दिया है ना, बराबर अपात्र होने के बाद फिर डिसीजन बदली कर सकते हैं, नहीं अपात्र होने के बाद सिर्फ सवाल ये होगा कि फ्लोर टेस्ट देना पड़ेगा जी। अपने मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी को फ्लोर टेस्ट देना पड़ेगा और अगर हम 16 कम करते हैं तो जो भी रिमेनिंग फिगर है उनको मेजोरिटी सिद्ध करनी है कि भाई मेरे पास मेजोरिटी है। और मेरे हिसाब से विधानसभा में आज ये 16 आमदार कम भी किए जाते हैं तो भी पूरी मेजोरिटी एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के साथ है, इसीलिए सरकार के ऊपर नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूं सरकार के ऊपर कुछ नहीं होगा, सरकार चलेगी, प्लान बी की पूरी तैयार है, लेकिन सवाल ये होता है कि जो शिवसेना का जो मेजोरिटी है 1/3 जो इश्यू होता है कि 40 विधायक आए तब 1/3 इनके पास आई, नहीं आप अगर 16 उसमें भी 16 अगर माइनस कर देंगे तो 1/3 का जो इनका मेजोरिटी है वो नहीं हो पाएगी। क्या हुआ है, आपने इलेक्शन कमिश्नर का जो निर्णय है वो आप समझे ही नहीं है जी। इलेक्शन कमिश्नर का निर्णय है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही शिवसेना है, तो इसे डिफेक्शन का सवाल ही किधर आ गया, इसी बेसिक पे है कि उनके पास विधायक ज्यादा है नहीं। अभी जब उनके सामने जो डॉक्यूमेंट्स पेपर्स और जो भी था उस हिसाब से उन्होंने निर्णय दिया है, अगर इनको चाहिए उद्धव ठाकरे गट को अगर चाहिए तो समझो आप जैसे बोलते हैं 16 डिस्क्वालीफाई हो, तो उनको फिर से पिटीशन दाखिल करना पड़ेगा इलेक्शन कमिश्नर के सामने कि भाई इनके 16 अभी कम हो गए, डिस्क्वालीफाई, तो अभी इनके पास जो आपका कैलकुलेशन था उतने आमदार नहीं। फिर भी इलेक्शन कमिश्नर ने जो निर्णय दिया है वो किसके पास मेजोरिटी है, किसके पास ज्यादा आमदार है, किसके पास ज्यादा खासदार है, किसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ है, ये 16 आमदार डिस्क्वालीफाई होते इसका मतलब वो एकनाथ शिंदे के गट से अलग नहीं होते, वो तो एकनाथ शिंदे के गट में ही है ना, तो उनको मिले हुए वोट्स वो तो काउंट होने ही वाले, वोट तो काउंट होंगे बराबर है ना, उनको जो वोट मिले हैं जो जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन निर्णय दिया है वो तो काउंट होने ही वाले। इसका मतलब यही हुआ कि उस फैसले को भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। धन्यवाद। तो हम चर्चा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला पेंडिंग है वो किस तरह का फैसला है और क्या हो सकता है, यानी फैसला आने में देरी क्यों हो रही है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। अगर देरी हुई यानी कि 15 तारीख अगर 15 मई के बाद अगर फैसला अगर आगे बढ़ा तो इसका मतलब ये है कि जो रिटायर जज होने के बाद फिर से जो 5 बेंच की जो नया बेंच जो बैठेगी फिर से जो है आर्गूमेंट होगा, फिर से मतलब मामला जो है टाइम पास ही है, यानी कुल मिला जुला के यही कह सकते हैं कि सरकार अपना कार्यकाल हो सकता है इसी सब मामले में पूरा कर लेवे, फिर उसके बाद आगे जो निर्णय होगा वो आगे तय होगा जो चुनाव रिजल्ट आएंगे। तो आपको हमारा चर्चा कैसा लगा, अब भी आपके दिमाग में भी कुछ सवाल बन रहे होंगे, कुछ इसका जवाब भी होगा तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और हमारा जो चैनल है मुद्दा भारत का, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे सुभाष काली जी से हम आगे भी चर्चा इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का जो भी मामला आएगा हम करते रहेंगे, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सुभाष जी, धन्यवाद।